रिएक्शन है इसमें दो मोल एन टू ओ फोर कन्वर्ट हो रहे हैं चार मोल एनओ टू में आपको दिया है कि माइनस डी एन टू ओ फोर अपॉन डी टीक टू के है।, है ना मतलब रेट ऑफ डी कम्पोजिशन क्या है के है। और डी एनओ टू अपॉन डी टी इजल टू के डैश है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ओ टू के डैश करेक्ट इतना समझ में आ गया ठीक है तो आपको बताना है के और के डैश में क्या रिलेशनशिप है तो आप लिख लो इसको जैसे रेट एक्सप्रेशन लिखते हो कितना स्ट्रोक्योमेट्रिक ऑफिशंट है एन टू फोर का टू तो आ जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे के के की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू रेट ऑफ रिएक्शन है के uh, मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन टू फोर क्या है माइनस वन अपन टू डी एन टू फोर अपन डी टी ठीक है और इसी तरह से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू क्या हो जाएगा डी एन ओ टू ओपन डी टी इजकल टू के डैश इजकल टू वन फोर डी टू डी टी तो जब आपने देखा कि जो के डैश है दैट इज के है ना मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मेशन ऑफ NO2 टू है दैट इज उसकी जो रेट है दैट इज ट्वाइज द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन टू ओ फोर ठीक है समझ में आ गया ना बच्चों यही मतलब है बी ऑप्शन करेक्ट है तो दिख रहा है ना कि जितने टाइम में रेट किसकी ज़्यादा है ये NO2 टू के बनने की क्योंकि वो दो डिकीकम्पोज हो रहे हैं और ये फोर बन जा रहे हैं तो डबल हुआ ना के डैश है ना क्योंकि केडैश क्या है फॉर्मेशन ऑफ एनो टू वो डबल हुआ इसका जितनी देर में ये दो, दो मोल डिकम्पोज होंगे तो उतने मोल उतनी देर में तो चार मोल एनो टू बन जाएंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनो टू इज डबल देन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन टू ये मीनिंग है